मेरी मॉम एक्सपायर हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गाय। ओ माय गॉड, मैं राखी सावंत से आत्महत्या नहीं करी हूँ। लोगों को ड्रामा लगता है क्योंकि उनके साथ हुआ नहीं है। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना सेम एरिया में, और जब राखी सावंत उस एरिया में होती है तो एक के बाद एक के बाद एक मेरे को एक्साइटमेंट हो जाती है। I'll tell you why. भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बन जाते हैं, कुछ बनने की कोशिश करते हैं, बन रहे होते हैं। ये तीनों बन चुकी है ऑलवेज द ओनली बोनाफाइड वायरल स्टार ऑफ दिस कंट्री। दुनिया इसके साथ कोलैबोरेशंस कर चुकी है एंड दे हैव ऑल रियलाइज व्हाट अ पावर ऑफ राखी सावंत एंड सलमान एंड अल्तमिश। व्हाट अ वॉइस यू हैव ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारी आवाज इज फैंटास्टिक रेडियो पर, जब मैं प्ले करता हूं आई कैन फील इट, बट राखी यू आर द ओनली सुपरस्टार इन आवर कंट्री। थैंक यू, स्वीटहार्ट। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आई एम सीरियस अबाउट दिस। और पता है हर एक पर्सन ने तुम्हारे से जो कमाई की है ना, सलमान यू आर इन द सेम फ्रेम ऑल्सो, सो कंग्रेचुलेशन ब्रदर। शुक्रिया, बिकॉज मैं ये बोलूँ कि हर कोई जो लैक्स ऑफ व्यूज अपने यूट्यूब पे कमा रहा है बिकॉज ऑफ यू, उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। जो कोलैब रील्स में वो कमा रहा है बिकॉज ऑफ यू, उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा है। हाउ डू यू फील कि आप लोगों का घर बसा रहे हो? बहुत सारे डिजिटल एजेंसी चालू हुए बिकॉज ऑफ यू, समाज सेवा। बट ये सच है, बहुत सारे आज की डेट पर जब आप फॉलोअर्स खरीद सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, लोगों को रियलिटी समझ में आ गई है, तभी सारे लोग, ऐसे लोग बोलते ना पेपराजी पीछे पड़ी रहती है, नो, बिकॉज उनका बहुत फायदा होता है, बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत व्यूज आते हैं। तो ये कैसा लगता है तुम्हें, यू आर बीइंग यूज्ड बाय द वर्ल्ड? आई स्वेयर सलील, मतलब एक वॉशरूम छोड़ के, टॉयलेट छोड़ के पेपराजी हर जगह पकड़ लेते हैं। मतलब इनका बस होता है टॉयलेट में भी आ जाए, वॉशरूम। आई स्वेयर लोगों बोलते अरे तुम मॉम मेरी एक्सपायर हुई, अरे तुम शमशान घाट में जा रहे हो, शमशान भूमि में, उधर भी मीडिया। अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मीडिया उधर भी भाग के आती है? कौन लेकर जाएगा शमशान घाट में मीडिया को, कौन बुलाएगा? मतलब आप कहीं पे भी जा रहे हो तो पैप्स है। मुंबई में तो यू कैन नॉट स्टॉप, मुंबई छोड़ के तो फिर आपको और कहीं पे भी नहीं, पर हर किसी के पीछे नहीं जाता। मुझे लगता है कि एक आध है जो मलाइका अपने जिम जाती है, बाकी हर चीज जो आप करते हो, ये दो लोग हैं मुझे लगता है। मलाइका तो ये पूरा क्लोज लेते हैं, मलाइका का तो इट्स ब्यूटीफुल ना, ऑफ कोर्स वो इंडिया की जेनिफर लोपेज़ है। बट यू आर इंडियाज किम कार्डाशियन। मुझे लगता है कि लिटरली जो किम ने जो चालू कर दिया था, दिस इज समथिंग एल्स। सलमान, व्हेन यू आर एक्टिंग विद, आल्सो वो प्रेशर आता है कि बिकॉज नोइंग, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिलियंट वीडियो, परफॉर्मेंस वीडियो। राखी को मैं इतने सालों से जानता हूँ, दुनिया अलग अलग अवतार देख चुकी है, बट लव टू सी दिस केमिस्ट्री। एक्टिंग परफॉर्मेंस का मौका था इस वीडियो में, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। बट वो प्रेशर आता ना कई बार, राखी इज फुल फोर्स, टोर्नेडो, सुनामी। एक्चुअली स्टार्ट में जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, एक्चुअली इस गाने से पहले हम लोगों ने एक गाना और किया था, तो मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा था कि राखी के साथ मैं गाना करने वाला हूं। मैं एक्साइटेड था, लेकिन थोड़ा सा मुझे डर भी था। डर इस बात का था कि यार हर इंसान से गलती हो जाती है, कहीं मुझसे कुछ गलती हो जाए, राखी ने मुझे सबके सामने डांट दिया था, ये बात का डर था मुझे। आज तक कभी किया है जी? आज तक कभी डांटा है? जब मैं सेट पे गया, क्योंकि मैंने इनके आने से पहले मेरे तीन चार लोगों से पूछा जो इन्हें पर्सनली जानते हैं, अच्छा। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, सलमान शी द वेरी नाइस गर्ल। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं होता है वेरी नाइस गर्ल। जब मैं गया सेट पे, इतनी हम्बल है ये, और इन्होंने मुझे एक भी बार ये शो नहीं होने दिया, ये फील नहीं होने दिया कि सलमान तुम एक ऐसी जगह पर आए हो जहाँ पे मैं काफी वक्त से काम कर रही हूँ और तुम कुछ साल पहले आए हो। इन्होंने जरा भी मुझे फील नहीं होने दिया, इतना अच्छा कंफर्ट जोन दिया। और कहीं पर अगर मैं थोड़ा सा किसी जगह पे कुछ ऐसा फील कर रहा था कि यार शायद मैं ऐसा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और उसी से पता चलता है कि ना ये एक बहुत ही कमाल की एक्टर भी है, बहुत ही कमाल की इंसान भी है, दोनों चीजें एक साथ में है। आई थिंक जितना क्रेडिट मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ राखी, बिकॉज यू हैव विदाउट बींग ए सुपर स्टार यू आर एबल टू क्रिएट अ सुपर स्टारडम ऑफ योर ओन, एक अलग दुनिया आपने बनाई। ये आज शायद जैसे लोग बोलते हैं ना लास्ट ऑफ द खान्स इज द स्टार्स, मुझे लगता है द लास्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्टार्स इज यू। इट्स ट्रू, मतलब आई रिमेंबर द टाइम जब यू नो आई वाज, उस दिन दिख रहा था मैं द ब्यूटिफुल गोल्ड साड़ी जो करण जौहर के शो पर आपने पहना था, या दैट ऑल्सो आई रिमेंबर द होल वर्ल्ड सेड ये कैसे, अरे रियली दिस कैसे, ये कैसे पहुंच गई। And you, that was the most watched show because you're so honest. यही तो इनको नहीं पता है। कल ही मैंने बोला है सबको, RR को ऑस्कर मिला, मैंने कहा मैं भी पहुंचूंगी, यू नेवर नो, राखी सावंत वो चीज है जो चांद में भी पहुंच जाए। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम अ गॉड लवर, गॉड चाइल्ड, उनका एक आशीर्वाद मेरे लिए अलग ही है।
कोई गॉडफादर नहीं, कुछ नहीं, मैं कहीं पे भी पहुंच सकती, कुछ भी कर सकती हूँ जिंदगी में। ऐसा कुछ हो जाएगा ना, वो ऑस्कर पता नहीं कब कहाँ मिल जाए, लोग बेहोश हो जाएंगे घर घरों में, आत्महत्या कर लेंगे, बेहोश हो जाएंगे। अरे आप कहें कहीं पे भी कुछ भी कर सकते, आरआर को मिल सकता, इतना हजार करोड़ का उन्होंने खर्चा भी किया, लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू कि अगर आप ऑस्कर्स में जाते हैं आपको बहुत पीआर करनी पड़ती है, बहुत सारे क्रिटिक्स को ये दिखाना पड़ता है, इट्स अ ह्यूज मशीनरी। लास्ट टाइम लगान के पास एक अच्छा मौका आया था ऐसे जब उन्होंने किया था, बट बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है मेट गाला में आपको जाना चाहिए। मैं मेट गाला, दैट इज द मेन फॉर यू। मैं पूरा प्याज व्याज बन के जाऊंगी अंदर। आई टेल यू, आई मस्ट टेल यू दैट आप नहीं जानते हो, जब गॉड ऊपर से जो आशीर्वाद मिलता है ना, गॉड अल्लाह जिसको परमेश्वर कहते हैं, वो इंसान कहीं पे भी चमकेगा, आप उसको अंधेरे में रख नहीं सकते, वो मैं हूँ। बिल्कुल वो मैं हूँ। नहीं, बट आप एक किताब आती है सीक्रेट, जिसमें लोग बोलते ना बड़ा देख के, मैं सब बिलीव नहीं करता, मुझे लगता है कि उसमें आपको कर्म भी बहुत करना पड़ता है। यू आर दैट एग्जांपल एंड आई लास्ट बोथ ऑफ यू बॉयज। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा है अपनी जिंदगी मैं कुछ करूंगा, हर कोई बोलता है मेरे को अंबानी बनना है, मेरे शाहरुख खान बनना है, करना कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग लेकिन अब राखी सावंत बनना चाहते हैं, राखी सावंत ने खुद अपने राखी सावंत बनने के लिए बहुत कुछ किया है, यू नो, आई थिंक दैट इज द टफेस्ट पार्ट। और गिरावट भी इतनी हुई, अभी हाल ही में पिछली बार जब मिला था तो लव लाइफ भी अच्छी चल रही थी, अभी वहां भी थोड़ा शादी लाइफ लोग लव लाइफ कहते हैं, मैं तो पहली लड़की होगी जो खुल खुल चीख चीख के कह रही हूँ हाँ मेरी शादी हो गई है। बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा उनको झटका लगा और उसके बाद मतलब उठना और ऐसे उठना वो बड़ी बात है। कभी डाउन रहे हो क्या कभी? यस ऑफ कोर्स, मॉम के पास से मैं रोई हूं ना, मॉम का देहांत, मॉम का कैंसर, हस्बैंड की चिटिंग डिचिंग, आदिल का उस दिन आपको मिलाया था, मैंने मैंने कहाँ सोचा था। आपका ये अभी कहना था कि आपकी चॉइस बहुत गलत है राखी, आप बहुत ढंग से लड़का चुनती नहीं, क्योंकि मैं आपकी पास हिस्ट्री देख पा रहा हूँ जो दुनिया देख पा रही है, सब देखते हैं। हाँ। सलील मुझे ये बताओ, एक लड़का आपको मिलता है आपको प्यार में, जो हमारे वीडियो झूठा में है, बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ, वीडियो में कार की चाबी देता है, और भैया बीएमडब्ल्यू कार कौन देगा, जब आप रईस होंगे तभी देंगे ना, आपको प्यार करता है, आपको रेस्टोरेंट यहाँ वहां हर वक्त खाना खाया, बाबू सोना जा दुटो ना खाना खाया बच्चा, कहाँ हो, यहाँ हो, वहां हो, ऐसे करके आपको इतना प्यार कर रहा है। यार एक दिन मैं निकाह करती हूँ, निकाह के लिए रेडी हो जाता है, काजी साहब को पकड़ के कहां से ले आता है, जिसको नहीं करना होता वो नहीं करता है, सिर्फ डेटिंग करके छोड़ देता है, डिंग डोंग करके छोड़ देता है, फ्रेंकली स्पीकिंग, यू नो आई एम, हाउ ऑनेस्ट आई एम, बट उसको शादी करनी थी, अब उसके पीछे, और मेरे लिए भी अच्छा था कि यार इसको तो क्या हुआ, इज अ वेल सेटल्ड एंड कार है, शोरूम है, नकली घर दिखाया पता नहीं चलता ना आपको, नकली पेरेंट्स से मिला पता नहीं चलता ना, और वो भी मैं पैर में भी इस्लाम वालेकुम ये सब कर रही हूँ, मालूम भी नहीं ये सारी चीजें, आप लोग तो सब मिल चुके हो। और बाद में पता चलता है कि सडनली के अब ये कार्ड नहीं चलेगा, मैंने कहा क्यों, तुमसे शादी कर ली ना, तुम एक अलग कास्ट से लड़की हो ना, मैंने तुम्हें अपना लिया ना, मुझे घर वाले अपना नहीं रहे, मेरा ये डेबिट कार्ड नहीं चल रहा है, मुझे खानदान से जायदाद से सब निकाल दिया है, तो अब क्या करे, तो अब अगर कोई मुझे लिखना भी चाहिए, पहले सुनो, लिख नहीं सकता, नहीं नहीं स्क्रिप्ट इस पर बनेगी देखो ना। तो मैंने कहा अब क्या करे, तो बोलता अब यही है कि तुम अपने पति, अब तो मैं तुम्हारा शोहर हूँ, अब तो तुम मुझे बनाओ। मैंने कहा कैसे, पैसे दो मुझे और मैं बिजनेस करता हूँ। मैंने कहा कितने लगेंगे, तो उन्होंने कहा 3-4 करोड़ तो लगेंगे। मेरे पास उतने तो नहीं है। मैंने कहा मैं 1 CR 1 crore 60-70 lakhs मेरे पास है। बोलता चल जाएगा, मैं उसी से धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, 4 car बेचूंगा, 8 खरीदूंगा, ऐसे ऐसे मैं करूंगा। तो मैंने कहा चलो शोहर है, 10 बार सोचा कि ये मेरी पूंजी है मेरी जिंदगी भर की, यहाँ से रियलिटी शो में इतना थोड़ी पैसा मिलता है, यहाँ से कमाते हैं, फिर माँ का इलाज खर्चे निकाल के आप थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, यू नो, और ये करके अब मैंने उतने मेरे जेवर, मेरी माँ ने जो मेरी शादी के लिए बनाए थे, तो मैंने कहा यार पति ही सलामत रहे, जेवर का मैं क्या करूंगी, एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ मैं, तो मैंने कहा कि जेवर बेच दूंगी तो हस्बैंड नया बिजनेसमैन बड़ा बन जाएगा, तो करोड़ों खरीद के दे सकता है जेवर, इस जेवर का मैं लॉकर में ही तो रखती हूँ, चलो बेच देते हैं और हस्बैंड को दे देते हैं। तो मैंने वो जेवर हस्बैंड को दे दिए, बेच बाच के 70 lakhs कुछ आए उसके, और 75-80 मेरा ये था क्या बोलते FD था मेरा, इंश्योरेंस का मेरा खुद का, तो वो आया था 10 साल के बाद, वो आया था
तो थोड़ा थोड़ा जमा करके आप रखते हैं मेरी पूंजी के लिए, तो मैंने वो सब मिला के हस्बैंड को दे दिया। इन्होंने मैंने हम लोग ने ज्वाइंट अकाउंट में डाले, इन्होंने झूठ बोल के गूगल देखना है ओटीपी लेके, इन्होंने 3 दिन में पैसे कहाँ गायब कर दिए पता नहीं चला, वो भी मुझे पता ही नहीं। और मैं एक दिन ICICI बैंक में जाती हूँ कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, जाके बोलता है इसमें तो अकाउंट में मैडम पैसे नहीं है। आदिल के पास आके मैंने बोला पैसे नहीं है क्या हुआ, बोलता मैंने तो कारें खरीद ली, मैंने कहा मुझे बताया नहीं आपने, बोलता अरे वो सब मैसूर में रखी हुई है उसको अच्छा बना के मैं बेच दूंगा। बाद में उनका फ्रेंड है बैंगलोर में आतिक भाई, आतिक भाई को बोला, आतिक उनका फोन आया अभी जब केस हुआ, बोलते इसने तो 4 कारें मेरे को बेच दी और उसने अपने पर्सनल अकाउंट में सारे पैसे ले लिए। इतना प्यार इतना सब कुछ, बताओ मेरी गलती कहाँ थी? उनको हीरो बनना था, पहले इन्हीं के गाने में उनको हीरो बनाया मैंने, आईफा में जाना था, आईफा में जाके सलमान खान से मिलाया, रणवीर से फिल्म फेयर में मिलाया, मैंने हर चीज उनके लिए सलील करी। मैं मुझे बताओ मैं गलत कहां हूं? मैं दुनिया के सामने राखी सावंत बोल्ड लड़ाई अपफ्रंट बोलने वाली हूं, लेकिन पति के सामने नजरें झुका के, एक शौहर के सामने, उसके सामने एक झुकी हुई, एक एक सुशील हमारे में कहते हैं वैसी बीवी हूं मैं। मुझे इतना दर्द हो रहा है कि क्या बोलूं, इसी पे ये वीडियो बना है मेरा झूठा। किस उसने डे वन से सारी चीजें झूठी बोली। मुझे सबसे ज्यादा क्या चुभा पता है, मेरी मॉम एक्सपायर हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गाय। मैं बिग बॉस मराठी में गई, जाने से पहले उसको 10 लाख का चेक देकर गई कि रादिल प्रोडक्शन में डालना, रादिल राखी ना आदिल, रादिल प्रोडक्शन में डालना, सिग्नेचर सब इतना सारा सिग्नेचर करके गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रादिल प्रोडक्शन में नहीं डाला, उसी में खुद मेरी जगह पे झूठा गुमस्ता बनाया, प्रोप्राइटरशिप करके खुद के अकाउंट में डाला। मेरी माँ एडमिट है, मैं अंदर मैं बिग बॉस में हार्ड वर्क कर रही हूँ पैसे कमाने के लिए, कि पैसे कमा के बाहर आऊंगी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे लूट लिया है, अब मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, बाहर आऊंगी तो मेरी माँ का इलाज कर पाऊंगी। मेरे सर पे एक तो हस्बैंड की जिम्मेदारी, मेरे सर पे मेरी माँ की जिम्मेदारी, मेरे कपड़ों पे, मेरे बोल्डनेस में मत जाइएगा, मेरी हालत देखिए आप, मेरी हालत देखिए आप। फिर माँ एडमिट हुई, मुझे पता ही नहीं मैं बिग बॉस में हूं, और इन्होंने वो पैसे जो थे मेरे, साहिल अभी भी मेरे हाथ कांप रहे बोलते हुए, उन लड़कियों जो मुझे नाम नहीं लेना, ये लोग नाम लेते हो तो स्टार बन जाते हैं, तो उन लड़कियों पे इन्होंने वो पैसे सारे उड़ा दिए। कैसे उड़ाए, मेरे पास इनके होटलों के रूम का ट्रैवलिंग कर रहा था ना वो है, इनके टिकटों का है, ये घूमने गए उनका है, अगर मैंने मेरे मेरे पैसे से गोल्ड फोन लिया तो उसके साथ में गोल्ड वॉच भी आई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि राखी का बर्थडे का फोन उसी ने पैसे से खरीदा है जो ये रहा ये, और इसके साथ में गोल्ड वॉच आई तो वो उधर चली गई, और मुझे पता ही नहीं चल रहा। मैं विश्वास रख के एक सीरियल की बहू के साथ कैसे होता है ना, उसके मंडप में उसकी शादियां टूट जाती है, घर में सांस जीने नहीं देती है, पति बेवफा हो जाता है, फिर पति का दोस्त आ जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो वो सीरियल की बहू की रियल लाइफ में मैं जिंदगी है। मैं आप लोगों को बोलने का सॉरी इसलिए मौका नहीं दूंगी क्योंकि मैं पीड़ित हूं और मैं बहुत तकलीफ में हूं। आराम से बोलते। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि लोग मुझे कमेंट करते हैं ड्रामे है ड्रामे, ये लोग थिएटर में जाते हैं तालियां बजाते हैं, वुमन ओरिएंटेड पे फिल्म आती है ना, वाह क्या बदला लिया हस्बैंड के साथ, वाह अच्छा हुआ ऐसा किया। लेकिन रियल रियल लाइफ में जब एक लड़की सचमुच हस्बैंड को जेल पहुंचाती है, हस्बैंड ने उसकी लड़की की मां को मारा, उसके जेवर लूट लिए, मेरे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने किए, एक करूं तो मैं माफ करूं, 4 माफ किया, 10 माफ किया। ओ माय गॉड, मैं राखी सावंत से आत्महत्या नहीं करी हूं, मैं मरी नहीं हूं। मैसूर में इसने एक रेप केस भी है इसका, हर जगह सारी लड़कियां, जब केस हुआ तो सारी लड़कियां बाहर निकल के आ रही है, जैसे बारिश आती है तो कैसे वो बाहर आते हैं, लड़कियां बाहर आई कि इस लड़के ने, थैंक गॉड आपने इसके साथ इसको जेल पहुंचा, इस लड़के ने हमारी जिंदगी खराब करी, हमारे पैसे लूट लिए, जूस में पिला पिला के बेहोश कर देता था और ये हमारी न्यूड वीडियो बनाता था। चलो तो गर्लफ्रेंड थी, महिलाएं थी, मैं तो बीवी थी, मेरे वीडियोस बनाए, दिखा दूं? सिर्फ तुमको दिखा सकते, कैमरा में नहीं दिखा सकते। एक मिनट, राखी सावंत झूठ नहीं बोलती है, इसीलिए मैं दिखाना चाह रही हूं, ये तुमको जज करना है। आदिल खान दुरानी का ये स्नैपचैट है, एम आई राइट? क्या है आप देख रहे हो?
ये इन्होंने 47 लाख में बेचे हैं मेरे एक एक वीडियो बीवी के, समझ रहे हो आप? ए देखो, सिर्फ आप देख सकते हो। ये हटवाए हैं कि नहीं आप? नहीं, साइबर क्राइम में केस किया हुआ है। पूरे मेरे पास मैसेजेज है, जब मैं बिग बॉस हाउस में थी, बीवी के बेसत्ता तो लड़कियों का क्या हुआ होगा सलील? और ये पहली बार आपने ऐसे वीडियो देखे, न्यूज वालों को मालूम भी नहीं है। I don't quite know to say because yeah, what she's saying is absolutely right. वो तो है, but unfortunately. मैं क्या करूं? ये लोग मुझे ड्रामा कहते हैं। मतलब इनका कि कोई औरत हिंदुस्तानी लड़की को पति सताए, उसको बर्बाद कर दे हर जगह से, बस वो आत्महत्या करे, तो ये लोग मोमबत्ती लेके घूमेंगे बाहर बिचारी के लिए, बिचारी के लिए। जब मैं जीती जाती लड़ती लड़की लड़ रही हूं मैं सलील, उसको आज जेल में डालो, एक डेढ़ महीने से है वो अंदर, वो ईरानी लड़की के साथ उसने गलत किया है, इसीलिए ये वीडियो बनाया है झूठा। तुम्हें टच मी सी हाउ कोल्ड आई एम, बैकग्राउंड पता था? सी मेरा ब्लड प्रेशर डाउन है ये, बिकॉज अब मैं याद करती हूँ ना। स्ट्रॉन्ग राखी, तुम राखी जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप बिल्कुल इस चीज को अपना। भाई आप तो जानते हैं खुद, यहाँ पे आके लड़कियों के नंबर लेते हैं पीछे से, इन्होंने भी डाटा उनको। आपसे मिला था इतने महीनों तक, आप उसे जानती थी तो... मैं खामोश रही ना। बट क्यों? इन्होंने मुझे कहा कि मेरी बहन की शादी नहीं होगी, तुम खामोश रहो। लेकिन इनका अलग था ना कि अगर मेरी शादी का भार आ गया तो कोई लड़कियां भाव नहीं देगी, और इन्होंने हर किसी से शादी का वादा किया था, लूटेंगे कैसे? अरे तुम तो राकेश सावंत के हस्बैंड हो, लूटेंगे कैसे? लड़कियां पैसे कैसे लुटाएगी? गॉट इट? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा मेरी पर्सनल जिंदगी मीडिया में आ रही है, लेकिन उन लड़कियों को बचाने के लिए मैं सारी चीजें बता रही हूं। मैं तो बर्बाद हो गई, अब आदिल किसी और लड़की को बर्बाद ना करे, इसीलिए मैं सब बताना मेरा जरूरी है। पॉइंट, आई थिंक समय ऐसा आएगा जब सोशल मीडिया बचा भी पाएगी बहुत सारे लोगों को। आई थिंक व्हाट शी इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज़ कुछ पता नहीं चलता, जो अब दिखता है वही होता है। नाउ यू आर प्लेइंग दिस एग्जैक्ट रोल, तुम्हें पता था यू आर आदिल? एक्चुअली मुझे इतना नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं सेट पर आया, राखी से बैठकर बात की, मैंने राखी ने अपने बारे में काफी कुछ बताया कि क्या क्या हुआ है, तो मुझे इतना रियलाइज हुआ, क्योंकि मुझे उस इंसान को जब 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 देखा मैंने, मुझे वो लगे बिल्कुल ही शाय, खुले से, कम बोलने वाले, लेकिन जब इनसे मैंने सुना, मुझे भी यही लगा था कम बोलने वाले। मुझे घर में मारा है, मेरी चोटे देखो, कुपर हॉस्पिटल में पुलिस मुझे लेकर गई, पूरे शरीर में चोटे, कड़ी तक टूट गई है, लोखंड की कड़ी टूट जाती है, क्या चोट आती है बताइए। सिर्फ पैर पकड़ा था कि मुझे छोड़ के मत जाओ वो लड़की के पीछे। बट वाई फिर क्यों आप रहे? मुझे कई बार लगता है कि यहाँ पे मैं आपको ब्लेम मानता हूँ, बिकॉज यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन अदरवाइज। अरे ऐसा थोड़ी ना शादी करके पति को छोड़ दू, थोड़ा मारा तो मैं एक हिंदुस्तानी लड़की की तरह घर बसाना चाह रही थी, सब सह रही थी मैं, ऐसा थोड़ी ना कि शादी किया एक महीने में मारा पति को छोड़ के किसी और के पास जाऊं, मैं नहीं कर सकती, मेरे लक्ष्मण रेखा है कुछ। घर में 8 महीने 1 साल उनको मौका दिया, आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे, आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जब ये इंसिडेंट बाहर आए थे तो मेरे ऑफिस में एक बातें चल रही थी इसकी, मुझसे पूछा था, सारी लड़कियों ने राखी को सपोर्ट किया था, मैंने उस समय क्या बोला था, मैंने कहा नहीं मुझे तो बड़ा नॉर्मल टाइप दिखा था, तो आई थिंक वो आउटवर्ड अपीयरेंसेस जिस तरह लोगों की होती है वो शायद कुरान पे हाथ पे कसा, आपको पता कुरान पाक होता है, उस पर आपने वीडियो देखे नहीं है, कसम खा के कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा बिजनेस में, मैं yes. कभी तुम्हारे अलावा कभी किसी के पास नहीं जाऊंगा, ये सुबह कुरान पाक की कसम खाते थे, शाम को लड़कियों को मिलते थे। बॉम्बे की हवा शायद लग गई। अरे उनको खुदा को नहीं इन्होंने बख्शा, तो मैं कौन सी कैद की मूली हूँ बताइए ना, लोगों को ड्रामा लगता है क्योंकि उनके साथ हुआ नहीं है। बट लोगों का ये भी कहना है राखी, बिकॉज आपकी लाइफ ऐसी रही है तो शायद उनको लगता है कि दिस इज नॉर्मल। सलील मैं क्या करूं? रितेश से शादी करी मैंने 3 साल बिग बॉस में, वो लॉकडाउन हो गया, 3 साल वो बेल्जियम कनाडा में रहे, वो आए आते ही उनको बिग बॉस में डाल दिया, बिग बॉस में डाला तो उनकी बीवी बाहर आई बच्चे को लेकर के, भैया ये तो मेरा पति है, ये तो मेरा पति है, मैं वहां कहां गलत हूं? मेरी मां 24 घंटे बीमार रहती है हॉस्पिटल में, मेरे पिता एक्सपायर हो गए, कौन जाएगा मेरे लड़का, कौन ढूंढ के लाएगा? अब सामने वाला लड़का मुझे
रितेश ने भी ऐसे मुझे बताया था कि मैं सिंगल, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये वो तो चलो अमीर है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा बच्चे वाला हूँ। बिग बॉस से बाहर आई, रितेश को छोड़ दिया कि भैया आप मेरे को छोड़ दीजिए, आपके हमारी उतनी भी बड़ी शादी नहीं थी, एक कमरे वाली शादी थी, और हम तो एक साथ में रहे भी नहीं है, एक दो दिन भी नहीं रहे हैं साथ में, क्योंकि लॉकडाउन में थी, फिर बिग बॉस में गए, बिग बॉस बाहर आके उनको छोड़ दिया, क्योंकि हमें आपने बताया नहीं था कि आपकी बीवी और बच्चा है, हम किसी का घर नहीं तोड़ सकते। चलो वो चला गया, विद इन 2-3 months आई मेट आदिल, क्योंकि एक उम्र भी होती है ना लड़की की कि जल्दी शादी करे, जल्दी बच्चा पैदा करे और जल्दी संसार बसाए। क्या मैं मेरे वो अलग होने के बाद 3-3, 4-4 साल ले लूं? मैं हराम नहीं करती, मैं हलाल करती हूं, तो मैं बॉयफ्रेंड नहीं रखती, चिक चिक के बोल रही हूं मैं। तो बेहतर है कि मैं इज्जत में निकाह करके घर बसाऊं और हलाल में जीऊं। तो अभी क्या, अभी दरवाजे बंद, क्या करोगे? बंद है, नहीं चाहिए अभी कोई, क्या करें, मैं तो मैं फेल हूं, मेरी मेरी जिंदगी में मैं फेल रही हूं, आई एम अ फेल पर्सन। कितनी बार इंसान दिल से जुड़ जाता है और फिर सडनली मालूम पड़ता है तो टूट जाता है ना, क्या एक अटैचमेंट होता है, एक हम जानवर को भी मतलब अगर वो हमारे साथ रहता है तो हमें कितना अफसोस होता है जब वो हमारे साथ। मैं शादीशुदा ये सब चीजों में कोई मेरे बड़े है ही नहीं जो मेरे लड़का अच्छा ढूंढ के लाते, या यहां से कोई उनके घर देखने जाए, मैं खुद ही गई हूं, यू नो, मैं फेल हो गई इस दुनिया में। बस अब मेरे लिए यही है, आई एम अ बिलीवर ऑफ क्राइस्ट एंड अल्लाह, नमाज पढ़ू, बाइबल पढ़ू और अपने बॉलीवुड में काम करती रहूं जब तक मैं हूं, क्योंकि इंसान कब चला जाता है मालूम नहीं है, बस अपना काम करती हूँ, यह है, आगे का कुछ पता ही नहीं है। अब मेरा भरोसा, दिल विल सब टूट गया, अब कुछ नहीं होगा। खैर मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा कि ताकि हम आपको जब से जानते हैं ना तब से हम आपके साथ में कई और चेहरे देखते आ रहे थे, उन चेहरों को जो कि आपके साथ में काम कर रहे थे बराबर, वो कई सारे चेहरे थे अलग अलग वक्त पे, सब खो गए, सब धुंधले हो गए, राखी सावंत आज भी वहीं जमी हुई है, राखी सावंत आपसे आज भी काफ़ी लाखों लोग मोहब्बत करते हैं, ये बहुत बड़ा सच है, लाखों लोग करोड़ों लोग आज भी आपको मोहब्बत करते हैं, कुछ चंद लोग हैं जो कि छोटा सा नेट चला के और कुछ भी कमेंट पास कर देते हैं, लेकिन उनके पीछे ढेर सारे लाखों लोग हैं जो आज भी प्यार करते हैं। अरे मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ, मेरे नाखून रखे हैं क्योंकि रोज कहीं पकड़ लेते हैं नाखून, आपके हाथ ना अच्छा हो तो कमेंट करते हैं फैंस, अरे तुम्हारे नाखून कितने गंदी हाथ लगते हैं, तो अब नाखून करो, अरे तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी नमाज में क्योंकि तुम्हारे नाखून है, अरे मैं अभी भी इस्लाम में आई हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरा रिश्ता मेरे खुदा के साथ है, वो मुझे नरक में पहुंचा देगा अगर मैं दिल से नमाज नहीं पढ़ी हूं तो। जिस्म को, नाखूनों को, बालों को क्या देखते हो भाई, मैं कोई बैंक में जॉब नहीं करती हूं, मैं कोई पायलट नहीं हूं, मैं एक बॉलीवुड में हूं और मेरे बॉलीवुड में कोई बैठा नहीं कि सलवार कमीज और साड़ी पहना के मेरे को काम दे। फैक्ट्स ऑफ लाइफ, पता क्या है, प्रैक्टिकलिटी बहुत अलग चीज होती है और जब सच्चाई आपके सामने आती है तब वो बोलते ना एसिड टेस्ट होता है एक आदमी के कैरेक्टर का, एक पर्सन के कैरेक्टर का, और मुझे लगता है कि राखी में वो सारे कैरेक्टर्स हैं और अंदर छिपे हुए हैं जो सही वक्त पर बाहर निकलते हैं, यू नो, एक अलग अलग रूप जो बाहर निकलता है, तो मुझे लगता है ये भी एक पासिंग फेज है। सलील, नहीं ये पासिंग फेज है, आई एम श्योर अबाउट इट। बहुत ज्यादा, बहुत ड्रामा कहते हैं, माँ मेरी गई है वो भी एक ड्रामा है, मुझे मेरे पति ने पैसों से चीट किया है वो भी एक ड्रामा है। सलील मैं पैसे भी माफ करती, हर चीज माफ कर देती, लेकिन जिस दिन मेरी माँ को एक्सपायर होने के बाद बर्फ में रखा गया मोक में, घर इनको फोन करी, माँ मर गई, आदिल माँ मर गई, आओ हॉस्पिटल में, ये नहीं आए, ये वो लड़की कैसा जो आप देख रहे हो ना, वो जो गाने में वो होटल में है, होटल की बुकिंग है मेरे पास, मेरी माँ का एक्सपायर और सेम होटल की बुकिंग अंदर भी है और लव बर्ड्स लेके घर में आ रहे, ये सीरियल में देखते हैं तो लोग रोते हैं, मेरे तो रियल लाइफ में हुआ है यार। क्या बोलूँ मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जिस आदमी के पास कभी शब्दों की प्रॉब्लम नहीं होती है उसके पास कोई शब्द नहीं है, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग, और मुझे लगता है कि राखी सावंत को डाउन कोई नहीं रख सकता, मुझे लगता है कि जिस लेडी ने हजारों करोड़ लोगों को इतना पावर दिया है और आगे बढ़ने के लिए एक शक्ति दी है, मुझे लगता है कि ऑल आर प्रेयर्स एंड आर पावर इज विद यू एंड दे विल ऑलवेज बी विद यू।
अभी मैंने एकेडमी खोली राखी सावंत एकेडमी। यस वो मैंने देखा था। यस इट्स डूइंग वेल दुबई में। यस एंड मेरे बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं वहां पर। यहां पे भी जरा देख के, यहां पे भी खोली है। नहीं बट सारे जो नहीं नहीं यहां पार्टनर्स हर किसी के पूरे जांच पड़ताल करके ब्लूप्रिंट निकाल के। भैया धोखे इतने धोखे मुझे मिले हैं ना, पुतला हूं मैं, इतने धोखे। एक टू डू लिस्ट बना लो। ये पूरा यस हो गया तो ही जाके आप मेरे साथ आ सकते हो, बिकॉज आई थिंक जरूरत है। और अपने अपने अराउंड ना सही लोगों को रखो अब राखी। पता नहीं वो मैं बोलता था शायद आपको सही समझ नहीं है लोगों की, क्योंकि खोल दिल खोल देते हो टू मच। शायद आप देना बंद कर दो, पैसे बिल्कुल नहीं देने। चलो मैं एज ए पर्सन हूज नोन यू फॉर 20 इयर्स मैं आपको बताने वाला हूं, पैसे किसी को नहीं देने। तुम वैसे के वैसे दिख रहे हो। किसी को नहीं देने, पैसे सिर्फ लेने हैं। बस अब पैसे है ही नहीं, दू कहां से। अभी मुंबई दुबई में एकेडमी खोली है, अभी बिजनेस कर रही हूं, अभी बॉलीवुड में फिर से आई हूं। लिसन लोग जिंदगी निकाल लेते हैं ब्रांड बनाने में, यू आर ऑलरेडी अ ब्रांड, सो फॉरगेट अबाउट दैट। वो सब तो फर्क नहीं पड़ता। अभी तो मैं इस्लाम कबूल किया है, अभी तो मैं नमाज पढ़ती हूँ। अब थोड़े से बॉलीवुड के लिए ऐसे कपड़े पहने तो अभी उसमें गालियां शुरू हो गई है। बताइए, इट्स ओके, थोड़ा पॉजिटिव आते हैं अभी। और ऑलरेडी गाना बहुत अच्छा, गाना आपको इतना पसंद कर रहे हैं लोग। अभी मैं लंदन में था, दो दिन पहले मैं लंदन में था, वहाँ पे कम से कम 10 लोग वीडियोस देख रहे थे और सब लोग बोल रहे थे, बोले यार क्या काम किया लड़की ने। तो ये कितनी बड़ी बात है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी मैं लंदन जा रही हूँ और मैं सारे रेडियो स्टेशन और जितने भी मीडिया है मैं सब जाके अब इंटरव्यू कर रही हूँ वीडियो के लिए। वेरी गुड, करना चाहिए आपको। अभी आप वो छोड़ दो, अभी आप जो हुआ है ट्रस्ट मी इट डजंट मैटर, वो ही लोग सब चुपचाप की तरह यहां आते हैं, आ रहे हैं, वो नहीं डेफिनेटली आ रहे हैं। लेट मी रैप अप, जाते जाते एक गाना हो गया। झूठा दिलासा देके मुझको गया तू, करके वो झूठे वादे छोड़ गया तू, किसको सुनाए हम तेरी वो बातें, करके वो वादा मुझसे छोड़ गया, अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं था, तू ही पास मेरे तू ही नहीं, जितना रोना था तेरे प्यार में रो लिया सनम, तू ही सब कुछ था मेरा तुझको खो दिया सनम, खो दिया तुझे खो दिया मैंने, खो दिया ओ तुझे खो दिया मैंने यार मेरे, तुझे खो दिया मैंने यार मेरे। क्या बात, वंडरफुल, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आपने जो सोचा था शायद उससे कहीं ज्यादा आज हमने देखा, बड़ा वेरी पावरफुल लेडी ऑलवेज। और मुझे लगता है कि ये जो थॉट्स रहती है राखी सावंत विल ऑलवेज बी हर ओन यूनिक सेल्फ। और एक मैं कभी हारती नहीं हूं, हार ही नहीं सकती, तुम्हारे आर्मी है तुम्हारे, ये कंफर्म है, ट्रस्ट मी। आप खरीद नहीं सकते, मेरे को एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर थी जिन्होंने बोला था कि सलील तुम बहुत बढ़िया एक्टर बन सकते हो लेकिन प्यार कभी खरीद नहीं पाओगे, तो तभी तुम बड़े स्टार नहीं बन पाओगे। तो तुम्हारे पास जो प्यार है ना खरीदा नहीं जा सकता राखी, दुनिया तुम्हें प्यार करती है। और उस प्यार में क्या है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो खटास भी रहती है उनकी, दैट्स फाइन, वो तो इंसान आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपके बारे में वो लोग बदतमीजियां और आपके बारे में बिचिंग शुरू करते हैं मतलब आप बहुत बड़े हो चुके हो और बहुत सक्सेसफुल हो चुके हो। और वो ऐसा एग्जांपल है। यस, आई विल सी यू सून।